थकी हुई टीम हो तो इंडियन क्रिकेट टीम जैसी, जो कि थक के भी ऐसे जीते जैसे लोग मतलब फुल जोश में भी नहीं जीत पाते हैं। और यहाँ पर इंग्लैंड को हराया है इंडिया ने कल, अब तक एक दिन गुजर चुका है पहले वार्म अप मैच के अंदर। दो फेवरेट्स थे वर्ल्ड कप में आते हुए, लेकिन अब रह चुका है सिर्फ एक फेवरेट, जो कि इंडिया की टीम, जो वर्ल्ड कप में आज फेवरेट जाएगी। और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इंडियन क्रिकेट टीम ने दिखाई है, इसके ऊपर बात करेंगे। शुएब अख्तर ने क्या कहा था और अब क्या हो गया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने आज के आज पहुंचना है 5500 सब्सक्राइबर्स पे। जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडिया ने यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पहले बॉलिंग की, फिर स्ट्रिक्ट की, और फिर 190, मतलब एक ओवर पहले इतने रन चेस करना इट्स नॉट ईजी। किसी भी पॉइंट पे मैच गया ही नहीं दूसरी टीम की तरफ, किसी भी पॉइंट पे मैच लगा नहीं कि भाई इंग्लैंड की साइड पे जा रहा है। हर वक्त इंडिया ने बैटिंग में मतलब ईशान किशन और के एल राहुल ने जाने नहीं दिया, कमाल की ओपनिंग पेयर हुई, फिर कोहली फेल भी, उसके बावजूद भी इंडिया जीता। यहाँ पर जो लोग हैं जो ना कोहली पर इंडियन टीम पर डिपेंड करती है, कोहली जाएगा तो इंडिया को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको भी एक जवाब मिल गया कि कोहली जाएगा तो इंडिया वैसे की वैसी रहेगी, इंडिया को कुछ नहीं होगा। और मतलब ईशान किशन है, अब देखना पड़ेगा ईशान किशन को किधर फिट किया जाता है। लेकिन बात करते हैं जी यहाँ पर शुएब अख्तर के बारे में। शुएब अख्तर जो आजकल गेम वॉर में भी शोज कर रहे हैं अपने वर्ल्ड कप को रिलेटेड, उनका क्या कहना था यहाँ पर। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया की टीम जो वर्ल्ड कप के अंदर आएगी वो एक थकी हुई टीम की तरह आएगी, और इंडिया की टीम ने तो लिटरली शॉक करके रख दिया यहाँ पर शुएब अख्तर को कि ये थकी हुई टीम आई है। लेकिन थकी हुई टीम भी एक एक हाथ से ईशान किशन छक्के मार रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रही है थकी हुई टीम, बॉलिंग के लिए रन खा रही है, लेकिन वो 170 वाली तो विकेट थी कम से कम। बैटिंग आप चेक करें के एल राहुल की, ईशान किशन की, ऋषभ पंत जो एंड में छक्का मारा है, मतलब कमाल की यहाँ पर बैटिंग भी और बॉलिंग भी इंडिया की टीम ने की है, बट एक थकी हुई टीम ने की है। तो मैं ये तो यार ऐसी थकी हुई टीम पाकिस्तान को दे दें आप, ऐसी पाकिस्तान की थकी हुई टीम हो, आई विल बी रियली हैप्पी विद दैट। अब बाकी यहाँ पर बात हो गई आपकी, ये तो बात हो गई, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया की, जो इंडिया बाकी फ्यूचर में देख रहा होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। कल एक और वार्म अप मैच है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उस वार्म अप मैच के अंदर आई थिंक रोहित शर्मा को ओपन करवाया जाएगा केएल राहुल के साथ, और सूर्य कुमार यादव को भी चांस दिया जाएगा। लेकिन जो मेन देखा जाएगा वो ये कि हार्दिक या सूर्य की जगह में से एक ईशान किशन आएंगे, जो कि मिडिल ऑर्डर के अंदर भी फिट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक सुन रहे, क्योंकि अब आपके पास स्लॉट नहीं है तो आपने ईशान किशन को किसी तरह मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है ना लाना ही लाना है। अब लेट्स सी इसके ऊपर क्या देखा जाता है, क्या किया जाता है, इंटरेस्टिंग होगा क्या सूर्य कुमार यादव के साथ जाया जाता है या हार्दिक पांड्या के साथ जाया जाता है या चांस दिया जाता है ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर के अंदर, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाकी आज की वीडियो थी इंडिया वर्सेज इंग्लैंड फर्स्ट वार्म अप मैच, बल्कि फर्स्ट नहीं था, थर्ड वार्म अप मैच, इंडिया वॉन इट इजीली एट द एंड ऑफ द डे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय बाय।